यौम जमहूरिया से कबल पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाया दहशतगर्दों के एक नापाक मंसूबे को नाकाम। बाहुबड़ी बाग रोड पर एक बारूदी सुरंग का लगाया वक्त रहते पता, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया आईईडी को तबाह। हमारी पूरी अक्सरियत वाली हुकूमत ने किया जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर दहाइयों का इंतजार खत्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, कहा वन रैंक वन पेंशन नाफिज़ करके साबिक फौजियों का लंबा इंतजार खत्म। तीन तलाक कानून लाकर मुस्लिम ख्वातीन में जाग गई इंसाफ की उम्मीद। अब नहीं है कोई दहशतगर्दी और हड़ताल की कॉलें, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, अच्छे के लिए बदल रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू में 100 ई बसों का 561 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 370 की मनसूखी के बाद 34,000 से ज्यादा लोगों को मुलाजमतें फराहम। दहशतगर्द तंजीमों पर लगाई जा रही पाबंदी। जम्मू में ई बसों का वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह। जम्मू में मुनक़िदा तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे मौजूद। शाह ने 73 ख्वातीन समेत 219 JKAS अफसरान में वर्चुअली तकसीम किए तकरूरी के लेटर। LG ने भी कई तकरूरी के लेटर तकसीम किए। राजौरी और पुंछ में चंद गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द सरगर्म, डायरेक्टर जनरल पुलिस RR सोएन का बयान, कहा दहशतगर्द नहीं होंगे कामयाब, फोर्सेस जीत जाएंगे आखिरी जंग। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पेश की हैं बेमिसाल कुर्बानियां। जम्मू कश्मीर में यौमी जमहूरिया तकरीबात के लिए तमाम तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल, श्रीनगर और जम्मू समेत दीगर मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ली जा रही थी गाड़ियों की तलाशी। बारामूला से बानिहाल जा रही ट्रेन में अचानक का आग नमूदार, रेलवे हुकाम और फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। काजीगुंड रेलवे स्टेशन के करीब पेश आई वारदात, रेल खदमात बाद में की गई बहाल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हाल ही में 1 करोड़ घरानों को शमसी तवन्नाई से बिजली फराहम करने का ऐलान। जम्मू कश्मीर के कई लोग पहले ही लगा चुके हैं सोलर सिस्टम। जम्मू की सुरजीत कौर है एक मिसाल, कहा भारी बिजली बिलों से मिली है नजात, सब्सिडी से सोलर पावर प्लांट्स लगाने की अपील। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए हर वक्त जरूरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, हर वोट है जरूरी। जम्मू में नेशनल वोटर्स डे तकरीब से किया खिताब, कहा मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में होते हैं इलेक्शन, नौजवानों से खुद को रजिस्टर करने की अपील। हालिया वक्त में देख रहे हैं काफी तब्दीली, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुनने वाली पहली बार वोटर बनने वाले कश्मीर के नौजवानों का रद्द अमल, कहा अब नौजवानों के हाथों में पत्थर और बंदूक के बजाय है लैपटॉप, नरेंद्र मोदी की वजह से बना है मुमकिन। 3 जनवरी से पार्टी जाब्ता तौर पर करेगी इंतखाबी मुहिम शुरू, बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने दिया बयान, बाज़ाब्ता तौर पर होगी मुहिम की शुरुआत, असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए मुहिम, तब्दीली देखने वाले नौजवानों के पार्टी का साथ देने के हैं पुरुम्मीद। जम्मू कश्मीर में 55 दिन का खुश्क मौसम होने की उम्मीद, खत्म हो जाएगा खुश्क मौसम, महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का बयान, आमतौर पर अब आलूद मौसम की तवक्का, बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद, मुसाफिरों को मौसमी हालात को देखकर ही मनसूबाबंदी करने का मशवरा।